ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। उधर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच भी टेस्ट सीरीज की महाघमासान चल रहा है, टेस्ट का माहौल बना हुआ है। और आप भी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया 2023 के शुरुआत में ही भारत का दौरा करने वाला है। तो जहां ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को महज टेस्ट के अंदर डेढ़ दिन में ही हरा दिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस में थोड़ा सा घमंड आ गया है। पैट कमिंस ने पिच को लेकर तो अलग ही बात कही है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अब भारत को खुली तौर पर चेतावनी दी है। पैट कमिंस ने आने वाले मुकाबलों में और WTC के फाइनल को लेकर जो भारत के बारे में कहा है वो आपको भी हैरानी में डालेगा। तो क्यों एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया अब भारत से पंगा लेने के बारे में सोच रहा है, आइए आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज से पहले की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान पैट कमिंस भारत को खुले तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए। पहले बता देते हैं आखिर उस मुकाबले को लेकर विवाद इतना ज्यादा क्यों हो गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसका नतीजा 18 दिसंबर यानी मैच के आखिरी दिन आया था। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान में टेस्ट मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला भारत बांग्लादेश टेस्ट के 3 दिन बाद शुरू हुआ, लेकिन नतीजा भी 18 दिसंबर को आ गया, यानी 2 दिन में ही टेस्ट मैच खत्म हो गया। इन 2 दिनों में 142 ओवर का खेल हुआ, कुल 34 विकेट गिरे। पूरे टेस्ट मैच में 2 अर्धशतक लगे। ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में 34 रन का टारगेट मिला। इस छोटे से लक्ष्य को हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गंवाए। दिलचस्प बात यह है कि 34 में से 19 रन तो एक्स्ट्रा के थे। लेकिन हम आपको बता दें कि कहीं न कहीं ऐसी पिच देखकर पूरी क्रिकेट की दुनिया में खलबली मच चुकी है। तो कहीं न कहीं मैच खत्म होने के बाद भारत के वीरेंद्र सहवाग ने भी ऑस्ट्रेलिया को जमकर फटकार लगाई है। वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसी पिच भारत में होती तो आप लोग क्या कहते कि भारत टेस्ट क्रिकेट को खत्म करना चाहता है, भारत कहीं न कहीं टेस्ट को बिगाड़ रहा है। लेकिन अगर वही चीज ऑस्ट्रेलिया में हुई तो आप लोगों का कुछ भी कहना नहीं है, और यही दोगलापन है। वीरेंद्र सहवाग की इस फटकार से मानो पैट कमिंस को काफी ज्यादा चुभ चुकी हो। लेकिन पैट कमिंस ने इस मुकाबले के बाद कुछ इस तरह से बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ रहा था, लेकिन 2 दिन में ही साउथ अफ्रीका ने हथियार डाल दिए। लोग पिच को लेकर काफी बातें कर रही हैं, लेकिन किसी भी पिच पर अच्छा खेल दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अगला फोकस साउथ अफ्रीका से अगले मुकाबले पर तो है ही, लेकिन उससे अगला फोकस भारत को टेस्ट सीरीज में हराने का है। भारत से हमें स्पिन ट्रैक पर कड़ी टक्कर मिलने वाली है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत हमको हराकर WTC के फाइनल में भी पहुंचना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा भारत को हम फाइनल में पहुंचने नहीं देंगे, हम 2019 में मिली हार का बॉर्डर क्रॉसकर ट्रॉफी का बदला लेने जा रहे हैं भारतीय दौरे पर, इसलिए भारतीय टीम सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि ये वो ऑस्ट्रेलिया है जो 2 दिन में ही टेस्ट को खत्म करना चाहती है। खुले तौर पर भारतीय टीम को चेतावनी मिली है ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज कप्तान से। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अब आप सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं।